नमस्कार दोस्तों, बीके मनोरंजन एंड टेक में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो UTS एप्स के बारे में है। मोबाइल से आप जनरल टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं और स्टेशन काउंटर पर लाइन लगाने से बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीके मनोरंजन एंड टेक को और घंटी को जरूर दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। UTS एप्स को इंस्टॉल करने के लिए हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे और प्ले स्टोर में सर्च करेंगे UTS। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। ऊपर लॉगिन का ऑप्शन है, वहाँ हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यदि आप इसे पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो नीचे ऑप्शन है रजिस्टर का, उस पर हम क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और नाम इंटर करना होगा और एक पासवर्ड चूज करना होगा ऐप्स को ओपन करने के लिए। और अपना जेंडर चूज कर लीजिए और डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लीजिए और नीचे चेक बॉक्स बना हुआ है उस पर हम क्लिक कर देंगे। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑटोमेटिक OTP इंटर हो जाएगा इसमें, फिर सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ से हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। और मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो चूज किए थे उसको इंटर करके लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद इस तरह से इंटरफेस खुल के इसके बाद हम बुक टिकट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद चार तरह के ऑप्शन आएंगे, जिसमें हम नॉर्मल बुकिंग पे क्लिक करेंगे। पेपरलेस टिकट बुक करने के लिए आपको स्टेशन या रेलवे ट्रैक से कम 15 से 20 मीटर दूर और 5 किलोमीटर के अंदर होना आवश्यक है। इस वीडियो में हम पेपरलेस टिकट के बारे में जानकारी बताएंगे। इसके लिए आपको GPS ऑन करना पड़ेगा। पेपरलेस टिकट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद 5 किलोमीटर की रेंज में जो भी स्टेशन होगा शो करने लगेगा। उसमें जिस स्टेशन से आपको जाना है वो स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिए और जहां तक आपको जाना है वो स्टेशन इंटर कर लीजिए और डन पे क्लिक करिए। और इसके बाद जितने भी रूट रहेंगे इन दोनों के बीच वो शो करेगा। इसमें से आप रूट सेलेक्ट कर लीजिए किस रूट से आपको जाना है। उसके बाद रूट सेलेक्ट करने के बाद अपना सेलेक्ट कर लीजिए कितने लोगों का टिकट बुक करना है, चाइल्ड साथ में है या नहीं है। ट्रेन टाइप सेलेक्ट कर लीजिए किस टाइप के ट्रेन से आपको सफ़र करना है, मेल एक्सप्रेस, सुपर फास्ट या पैसेंजर टिकट। इसके बाद पेमेंट ऑप्शन में दो तरह के पेमेंट का ऑप्शन है, हर वॉलेट से और UPI से या नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से। जिस तरह से भी आप पेमेंट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आर वॉलेट से अगर करना चाहेंगे तो पहले आर वॉलेट को रिचार्ज करना पड़ता है, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आर वॉलेट में आपके बैलेंस है तो आर वॉलेट से अपना टिकट बुक कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे टिकट समरी दिखाएगा, जिसमें आपका किराया लेफ्ट साइड में दिखाएगा और राइट साइड में आपके आर वॉलेट में कितना बैलेंस बचा हुआ ये दिखाएगा। इसके बाद बुक टिकट पर क्लिक करेंगे और टिकट बुक हो जाएगी।
अगर हम डेबिट कार्ड पर क्लिक करते हैं पेमेंट ऑप्शन पर तो कुछ इस तरह का खुल के आएगा, और इसमें पेटीएम पर सेलेक्ट करेंगे, पेटीएम से लॉगिन करके या फिर डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद कुछ इस तरह का मैसेज डिस्प्ले होगा। टिकट बुक होने के बाद आप शो बुक टिकट में ओपन करके देख सकते हैं अपना टिकट। टिकट बुक होने के बाद आप डाटा ऑफ करके या फिर टिकट देख सकते हैं। बुक हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, बुक हिस्ट्री मेरा एक टिकट पड़ा हुआ है, तो हम वहाँ से एक टिकट आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह का टिकट आपको मिलेगा जिसको आप टीटी को दिखाकर कहीं भी आसानी से जा सकते हैं। अगर किसी भी तरह की परेशानी आती है टिकट बुक करने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।